शिक्षा के क्षेत्र में एक अलग पहचान बनाने वाले इंडस ग्लोबल स्कूल मंडी में अब क्रिकेट एकेडमी स्थापित की जाएगी, जिसमें स्थानीय स्कूल के अलावा आसपास के स्कूलों के क्रिकेट में रुचि रखने वाले विद्यार्थी क्रिकेट के गुर सीखेंगे। ये बात हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एकेडमी की ओर से क्रिकेट की संभावनाओं को तलाशने के लिए मंडी आए भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर विक्रम राठौर ने दी। उन्होंने बताया कि शाम 3 बजे के उपरांत किसी भी स्कूल का बच्चा इसमें भाग ले सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में ऐसी क्रिकेट एकेडमी स्थापित की जा रही है ताकि क्रिकेट के क्षेत्र में स्कूली बच्चों में जज्बा पैदा हो। ये मंडी का प्रोजेक्ट नहीं है जी, ये हिमाचल पूरे का प्रोजेक्ट है। पिछले साल अनुराग जी ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि 70 सब सेंटर्स खोले जाएंगे हिमाचल में, ऑल ओवर हिमाचल। सो आइडिया ये है कि स्कूलों में सेंटर्स खोले जाएं ताकि स्कूल की टीम तैयार हो सके, बच्चे खेल सकें क्रिकेट। तो HPC उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बना के देगी, विकेट्स बना के देगी, कोच प्रोवाइड करेगी, इक्विपमेंट देगी और बॉल्स प्रोवाइड करेगी। तो सेंटर बच्चे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल के बच्चे आएंगे यहाँ पे खेलने के लिए, कुछ बाहर से भी बच्चे आएंगे खेलने के लिए। तो ऐसे अगर 70 सेंटर खुल जाएंगे तो एम कर रहे हैं कि 30 से 40 बच्चे एक सेंटर में भी आए तो 2500 बच्चा नया जुड़ेगा क्रिकेट के साथ। अगले साल से इंटर स्कूल टूर्नामेंट का प्लान कर रहे हैं कि जिन जिन स्कूलों में ऐसे बन जाएंगे सेंटर, उनका इंटर स्कूल टूर्नामेंट ऑल हिमाचल का शुरू करेंगे। तो अच्छी लंबी सोच है HPCA की, जिससे बहुत सारे नए स्कूल्स जुड़ेंगे क्रिकेट के साथ, बच्चे जुड़ेंगे और जितने ज्यादा बच्चे खेलेंगे उतना अच्छा है स्टेट के लिए। कोई भी आ सकता है जी, स्कूल से ही अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि ये स्कूल के टाइम के बाद प्रैक्टिस हुआ करेगी, तो स्कूल के बच्चों को प्रेफरेंस पर बाहर से भी बच्चे आते हैं। लक्ष्य तो 15 सेंटर ऑलमोस्ट तैयार हैं जी, बिलासपुर में 5 हमीरपुर में और 5 ऊना में। तो 15 सेंटर ऑलमोस्ट तैयार ही हैं। तो अगले 3 डिस्ट्रिक्ट अभी डिसाइड हुआ है, ये मंडी, कुल्लू और कांगड़ा। तो मेरी कोशिश तो राणा जी से भी ये बात चल रही है कि अगर आज फाइनल कर लें कि किस किस जगह पे खुलना है, तो मेरा इंटरेस्ट तो ये है कि एक महीने में ये सेंटर शुरू हो जाना चाहिए। मिनिमम फीस इसलिए जरूरी है कि जब तक आप कुछ मॉनेटरी कमिटमेंट नहीं हो, तो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि बच्चे उतना सीरियसली क्रिकेट खेलते नहीं है, ना पेरेंट्स सीरियस लेते हैं। तो मिनिमम फीस चाहे 200-300 रुपये महीने का ही हो, पर अगर आपने वो पैसा खर्चा है तो आप थोड़ा कमिट करते हो कि मेरे को प्रैक्टिस में जाना है।